फ्रेंड्स, आई एम शिपाली शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुकेरिया. टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माय टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कॉमन डोमिनेंस, व्हिच इज़ अ टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमिनेंस है क्या? डोमिनेंस एक क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन एलील्स ऑफ वन जीन. मतलब हम दो जीन्स लेते हैं, उनमें से जो एक एलील होता है, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है ओवर दी एलील ऑफ दी सेम लोकस. दो जीन है, एक लोकस पे प्रेजेंट है, और जो एक एलील है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट. तो जो फर्स्ट एलील है वो डोमिनेंट होता है, और जो सेकंड एलील होता है उसको हम रिसेसिव बोलते हैं. इन दोनों को हम एक दूसरे से आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये जो डोमिनेंट करेक्टर होता है इसको ऑलवेज हम कैपिटल में लेके लगते हैं, और जो सेकेंड एलील रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल लेटर में रखते हैं. तो जो डोमिनेंस है वो क्या है? एक की कंसेप्ट है मेंडेलियन इनहेरिटेंस का. ये जो डोमिनेंस का करेक्टर का कंसेप्ट था, डोमिनेंट और रिसेसिव का, ये किसने दिया था? मेंडल ने, मेंडेलियन इनहेरिटेंस ने. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम से क्लियर हो रहा है कि वो इनकम्प्लीट है, पार्शियल है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस पार्शियल डोमिनेंस है, मतलब कि जो डोमिनेंट करेक्टर है वो पार्शियली अपना करेक्टर शो करेगा. बट वेन द फीनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अनदर, ऑफन इंटरमीडिएट टू द फीनोटाइप ऑफ द होमोजेनिक्स जीनोटाइप. ये जब क्या होता है कि जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है वो डिस्टिंक्ट डिफरेंट होती है होमोजाइगस जीनोटाइप से. फॉर एग्जाम्पल, स्नैप ड्रैगन्स और फोर ओ क्लॉक और मॉर्निंग ग्लोरी प्राइम रोज फ्लावर्स, ये इसकी एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की. कहता है कि जब एक चाइल्ड है वेबी हेयर का, एज ए रिजल्ट ऑफ वन पेरेंट कर्ली हेयर एंड द अदर हैविंग ए स्ट्रेट हेयर, ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के क्या बन रहा है? चाइल्ड की वेबी हेयर बन रहे हैं. मतलब कि क्या है, दोनों पेरेंट में से कोई भी डोमिनेंट नहीं था, जिसके या तो उसके कर्ली हेयर ही होते या तो उसके स्ट्रेट हेयर ही होते, दोनों का क्या है, मिक्सचर है. तो दोनों में पार्शियल डोमिनेंट है, जो एक करेक्टर है वो पार्शियली डोमिनेंट है, दोनों का ही मिक्सचर बन के चाइल्ड के हेयर क्या आ रहे हैं, बेबी हेयर्स. टे सेक्स डिजीज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जब हम एग्जांपल की बात करें तो ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले ऊपर एक दो फ्लावर्स दिख रहे हैं, एक रेड है और एक वाइट है. जब हम इसकी फ्यूजन करवाया तो रेड और वाइट का मिक्सचर बन के क्या बना, दोनों का मिक्सचर पिंक बना, कैपिटल आर विद आर. यहाँ पे कैपिटल आर का था डोमिनेंट और यहाँ पे स्मॉल आर का था रिसेसिव. तो जो कैपिटल आर था वो डोमिनेंट था, वो अपना पूरा करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. रेड और वाइट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पिंक. फिर जब हमने इसकी एफ वन रेशियो निकाली तो हमारे पास एफ हाइब्रिड आया है ना, हाफ डोमिनेंट करेक्टर एंड हाफ ही जो थे वो रिसेसिव आए. तो हमारे पास रेशियो क्या आई, 1:2:1. मतलब कि जो हमारी फीनोटाइप बन रही थी वो क्या बन रही थी, 3:1, और जो जीनोटाइप है वो क्या बन रही थी, 1:2:1. दैट इज़ अ मोनो हाइब्रिड रेशियो. ये स्नैपड्रैगन फ्लावर जो है वो इज़ अ पिंक फ्लावर. जब इसको ये रिजल्ट किसका है, जब हमारे क्रॉसिंग करवाई, क्रॉस पोलिनेशन करवाई इसकी रेड और वाइट फ्लावर की, तो नाइदर जो वाइट है और नॉर रेड एलील्स है क्या है, डोमिनेंट नहीं है. दोनों अपने आप को पार्शली एक्सप्रेस कर रहे हैं. जीनोटाइप हमारी 1:2:1 आई, और जो फीनोटाइप है वो हमारी 1:2:1, मतलब 3:1 आएगी. कोडोमिनेंस क्या था, जब दो एलील ऑफ वन पेयर आर फुली एक्सप्रेस इन ए हेट्रोजाइगट. यहाँ पे कोडोमिनेंस क्या है कि दोनों ही जो पेयर है, एलील का पेयर है, वो फुली एक्सप्रेस कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस फॉर्म में फुली एक्सप्रेस कर रहे हैं. दे आर कॉल्ड एज को डोमिनेंट एलील. इसको हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंट एलील्स. और ये जो एलील हैं एग्जिबिट करते हैं यूनिक पैटर्न का एक्सप्रेशन को, किसके साथ, जब हेट्रोजाइगस बींग फिनोटिपिकली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम बोथ ऑफ दी होमोजाइगस. जब दोनों क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है दोनों होमोजाइगस से, और एक्सप्रेस कर रहे हैं दोनों एलील्स को इक्वली, दोनों एलील्स को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, रोएन कॉट कलर इन हॉर्सेज एंड कैटल. जो रोएन कॉट कलर होता है हॉर्सेज में और कैटल्स में, और चेस्टनट एंड वाइट कलर इन हॉर्सेज एंड बोथ आर डोमिनेंट ट्रेट. ये दोनों जो कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज क्या है, पॉलेमिनो गोल्डन. अब डायग्राम में देखो, क्रॉस
कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो हमारे पास हाइब्रिड क्या बना F1, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो कलर जीन क्या थे, कैपिटल जो आर है, सी आर क्या है, रेड, सी डब्ल्यू वाइट। तो जब इन दोनों का मिक्सचर करवाया, कोडोमिनेशन तो क्या फुली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आया, रेड रोएन। ठीक है, रेड रोएन आया जिसने हमारे जीनोटाइप रेशियो क्या आई, ऑल आर कैपिटल सी आर एंड कैपिटल सी डब्ल्यू इक्वली आया। फीनोटिपिक रेशियो ऑल आर रेड रोएन। तो हमारे पास जब रेड कलर का और वाइट कलर के रोएन को क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या आया, रेड रोएन, रेड और वाइट का मिक्सचर। ये जो है एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। एक और एग्जांपल है चेस्टनट एंड वाइट कलर हॉर्सेस को क्या है, दोनों क्या है, डोमिनेंट है, एंड द हेटरोजेगस इंडिविजुअल इज ए पैलोमिनो, गोल्डन कलर का है, चेस्टनट सोरत था, वाइट था, दोनों अपने आप को क्या है, डोमिनेंट कर रहे थे। तो उन्होंने इंडिविजुअल जो है हाइब्रिड है वो कैंसर बनाया, रोएन हॉर्स। थैंक यू। तो ये टॉपिक था हमारा डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का विद पुनेट स्क्वायर।